What's up guys, this is Ashish, welcome to another video. तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कार्टवेल साइड फ्लिप के बारे में, जो कि अच्छी चीज़ है. और उसमें मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ कि एक राउंड ऑफ के साथ या उसको कन्वर्ट करके कार्टवेल में कैसे ले, और एक जो कि कार्टवेल के साथ डायरेक्ट साइड फ्लिप होने वाली है. सो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो स्टार्ट. तो कार्टवेल साइड फ्लिप करने के लिए आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूँ. एक जो कि राउंड ऑफ का फील लेते हुए कार्टवेल लेके साइड फ्लिप मारना है, और एक थोड़ा स्टॉप रह के कार्टवेल साइड फ्लिप मारना है. तो सबसे पहले बताने वाला हूँ मैं थोड़ा सा रनअप वाला. तो रनिंग वाले आपको क्या करना है कि आपको रनिंग लेना है और कार्टवेल को इस पोजिशन में लेकर आना है. मीन्स राउंड ऑफ में ग्यारह पोजिशन आता है, तो आपको कार्टवेल में ये पोजिशन में लेकर आना है. आपको कार्टवेल लेना है और इस पोजिशन में आना है. तो मेक श्योर ट्राई करिए कि आपको साइड फ्लिप, स्टैंडिंग साइड फ्लिप या फिर रनिंग के साथ थोड़ी साइड फ्लिप आए, बिकॉज जब आप साइड मारोगे तो आपका साइड का बहुत अच्छा आने वाला है. तो आपका कार्टवेल और आपके साइड फ्लिप, तो इन दोनों चीज़ को थोड़ा थोड़ा स्लो करना. फर्स्ट कार्टवेल रनिंग के साथ, देन साइड फ्लिप. लाइक दैट. तो यहाँ पर मैंने ये करा कि रन अप लिया, कार्टवेल मारी और लिटिल बिट स्टॉप होकर साइड फ्लिप मारी. तो आपको यहाँ पर ये करना स्टार्टिंग में, तो आपको थोड़ा रुकना है फिर इसका साइड लेना है. तो इसको थोड़ा बिल्डअप देने के लिए आपको राउंड ऑफ वाला फोर्स यहाँ पर लेना पड़ेगा. तो ये ट्राई करिए कि ये वाला फोर्स आप लीजिए और उसके बाद आपको साइड फ्लिप ऐड करना है. तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको राउंड ऑफ बैक फ्लिप करना और बैक फ्लिप में थोड़ा सा साइड करना है. तो राउंड ऑफ बैक फ्लिप ट्राई करिए और उसमें थोड़ा सा साइड. लाइक दैट. तो यहाँ पर मैंने यही करा कि जब मैंने बैक फ्लिप ली तो बैक राउंड ऑफ लिया, राउंड ऑफ मैंने लिया थोड़ा. तो यहाँ पर मैंने ये करा कि बॉडी को थोड़ा सा साइड करा, जिससे कि मेरा पोजीशन यहाँ पर आया, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ के साथ लिया. तो आपको राउंड ऑफ को कार्टवेल में थोड़ा सा कन्वर्ट करना है. आपको रन अप और लेग चेंज करने पड़ेगा. आपको ये करना है कि आपको राउंड ऑफ वाला फोर्स लेना है जब कार्टवील में आना है और आपको साइड फ्लिप मारना है. तो मैं बता रहा हूँ ट्रिक नंबर टू, जो कि आपको कार्टवील से लेते हुए करना है. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी कार्टवील मारना है, थोड़ा सा स्टैंड होना है, उसका साइड फ्लिप मारना है. एंड स्टॉप, देन साइड फ्लिप. तो ट्राई करिए कि आपको स्टैंडिंग साइड फ्लिप ज़्यादा इसलिए आती हो. तो आप ट्राई करिए कि दोनों चीज़ों को ज़्यादा एंड फर्स्ट काट लें, स्टॉप, साइड फ्लिप. अब इन दोनों चीज़ों को प्लस करें. अब ट्राई करिए कि इन दोनों चीज़ों को एक साथ करें, जिससे कि आपका फोर्स बढ़े और फ्लिप बढ़े. लाइक फर्स्ट, लाइक दैट. तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ करी कि कार्टवील ली और पूरा फोर्स को ऊपर ले गया और साइड फ्लिप में कन्वर्ट करके घुमा दी. तो आपको यही करना है कि रन अप ले या मत ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको कार्टवील को स्पिन फोर्स पे लेना है, उसके बाद दोनों पैरों को लेग को साथ में रख के ऊपर. अगर आपके लेग वन बाय वन आए तो भी प्रॉब्लम नहीं, देख सकते आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा और आगे क्या करने वाला हूँ. और मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी बताने वाला हूँ, तो फॉलो मैंने इंस्टाग्राम. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.